दुनिया के सबसे लंबे विषधर सांप किंग कोबरा के घर को संवारने की तैयारी वन विभाग ने शुरू कर दी है। किंग कोबरा के जानकार इसे बेहद खूबसूरत मानते हैं। अपनी बनावट और आकर्षक छवि के कारण इसे नागराज भी कहा जाता है। पिछले 2 साल के दौरान कोरबा जिले के गांव बताती, लेमरू और पसरखेत के क्षेत्रों में नागराज का स्थायी निवास है। नागराज ने इसे अपना घर बना लिया है। किंग कोरबा जो है पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ कोरबा में ही मिलता है और विगत 2 वर्षों से इसकी उपस्थिति यहाँ बहुतायात में है। और हमारा ये जो बताती, लेमरू और पसरखेत का इलाका है, उसके खेतों में और आसपास के जंगलों में किंग कोबरा की उपस्थिति को देखते हुए इस वर्ष हमारी यह योजना है कि इसके जो रहवास क्षेत्र है उसके संवर्धन और संरक्षण के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के लिए हमारे राज्य स्तर पे कार्य चल रहा है। किंग कोबरा की विरासत का मौजूद होना कोरबा के जंगलों में समृद्ध जैव विविधता का प्रमाण है। पूरी दुनिया में सबसे लंबे जहरीले सांप की मौजूदगी से वन विभाग भी बेहद उत्साहित है। दूसरी तरफ हैरानी भी है कि एकाएक कोरबा जैसे जिले में किंग कोबरा की मौजूदगी इतनी कैसे बढ़ी। अब राज्य स्तर पर नागराज के घर को संवारने की कवायद शुरू की गई है। किंग कोबरा भारत में वन्य जीव कानून के तहत संरक्षित प्राणियों में शुमार है। हाल के दिनों में इसी क्षेत्र से वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने 15 फीट लंबे किंग कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में आजाद किया था। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप है, जो कि दुनिया के दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कुछ भागों में पाया जाता है। और यह किंग कोबरा छत्तीसगढ़ में सिर्फ कोरबा जिले में मिलना एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत अच्छी बात है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और कोरबा जिले के लिए कि हमारे कोरबा जिले में बहुतायत पे ये है। और निश्चित ही इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, जैसे लेमरू हो गया, पसरखेत हो गया, बताती हो गया, और ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बहुतायत पे हैं। जैसे लोगों का मानना ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद पे हैं, जो कि 15 फीट, 17 फीट और 18-19 फीट भी देखा गया बताते हैं। और जंगल पे जनरली ये रहते हैं और कभी कभी होते हैं कि जंगल से निकल के शहरी क्षेत्र, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जंगल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। नागराज का घर संवारने के लिए बताती, पसरखेर और लेमरू जैसे गांव को मिलाकर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। वन विभाग के अधिकारी सर्वे करेंगे, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि किंग कोबरा इन गांव के आसपास के कितने क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, वह कितनी दूर तक जा सकते हैं, जंगल के कितने क्षेत्रफल को किंग कोबरा के निवास के तौर पर विकसित कर उसे संरक्षित किया जाएगा। बहुत शीघ्र जो है कोरबा जिले के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसमें किंग कोबरा के जो एक्सटेंशन है, माने वो कहाँ से कहाँ तक उसकी उपस्थिति देखी जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइटिंग क्या है, और ये एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो सबसे लंबे जहरीले सांपों में गिनी जाती है और इनका विशेष नेचर होता है। और किंग कोबरा चूँकि पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ कोरबा में मिलते हैं, ये यहाँ के लिए बड़े ही गर्व की बात है और हमें उसको बचा के रखना होगा और उसके संरक्षण और संवर्धन की ओर ध्यान देना आवश्यक समझते हैं। कोरबा में किंग कोबरा का मिलना एक अच्छा संकेत है। इसे वन विभाग काम करने के बेहतर विकल्प के तौर पर भी देख रहा है। कोरबा का बड़ा भूभाग जंगलों से ढका हुआ है। जरूरत है वनों और वन्य जीवों को संरक्षित करने की, ताकि विलुप्ति के कागार पर खड़े इन खूबसूरत वन्य जीवों को बचाया जा सके। राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, कोरबा।